मर्सिडीज और थार जैसी लग्जरियस कारों में की जा रही थी शराब की हेराफेरी। वेसु पुलिस ने कार के साथ दो लोगों को पकड़ा। गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब माफियों की यहां पर हौसले बुलंद हैं। सूरत शहर की बात करें तो यहां पर शराब की बिक्री और हेराफेरी पूरी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच वेसु पुलिस ने शनिवार शाम को दो लग्जरियस कारों में की जा रही विदेशी शराब की हेराफेरी को रोककर दो आरोपियों को दबोचा। साथ ही शराब का जत्था और कार सहित 46 लाख रुपयों से अधिक का माल जब्त किया गया। वेसु पुलिस को लग्जरियस कारों में शराब की हेराफेरी किए जाने के बारे में मुखबिर से जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर शनिवार की शाम को पुलिस की एक टीम ने वेसु विला फार्म की तरफ जाने वाली सड़क से थोड़ी दूरी पर स्थित जैन मंदिर के कुछ अंतर पर निगरानी रखी। उस दौरान एक मर्सिडीज और थार कार को पुलिस ने रोका। इन दोनों लग्जरियस कार की जब तलाशी ली गई, तब अंदर से शराब का जत्था मिला। पुलिस ने 1.63 लाख रुपए की कीमत की विदेशी शराब, इसके अलावा 30 लाख रुपयों की मर्सिडीज और 15 लाख रुपयों कीमत की थार कार समेत 40.88 लाख रुपयों का मुद्दा माल जब्त किया। पुलिस ने आरोपी मनीष कुमार मनोहर सिंह और राजेश मुरारी शर्मा को गिरफ्तार किया। शराब के बारे में प्राथमिक पूछताछ करने पर पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे लोग बेचने के लिए शराब लेकर आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।